हेलो गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं आम का अचार ट्रेडिशनल तरीके से। इंडियन खाने में अगर अचार ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता है। मैंने यहाँ पर 1 केजी आम लिया है। चलिए इसे नहला धुला कर इसे अच्छे से इसको पोंछ लेते हैं और इस तरह से एक टॉवल में आप धुलकर साफ करके इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। इसका सारा पानी सूख जाए जिससे ये चाल लंबे समय तक चलता है। तो अच्छे से जब ये सूख जाएगा तो चलिए अब इसे हम निकाल देते हैं और अब इस तरह से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। बहुत छोटा भी छोटा रहेगा तो जल्दी गल जाएगा, बड़े में डालना हो तो बड़े में डाल सकते हैं। आप अचार काट के 2 टुकड़ों में भी, और चाहे तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे आम को हम कट कर लेंगे, इसके बीच को किनारे कर देंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया बनकर बहुत ही टेस्टी लगता है। सारे हमने कट कर लिए हैं। चलिए इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सारे इसमें हमने डाल दिए हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं। इसमें हमने 1 किलो आम लिया था तो 2 चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं। 1/2 चम्मच से कम थोड़ा हल्दी है, उतना ही लाल मिर्च डाल देते हैं। तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो 1/2 चम्मच कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हम यहाँ पे मेथी डाल रहे हैं, कड़ी मसाले, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा पचफोरन। 5 मसालों से मिलके बनता है। जीरा रहता है इसमें, कलौंजी रहता है, राई रहता है, तो इस तरह से पचफोरन बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और ये हम सरसों का तेल डाल रहे हैं बिना गर्म किए ही, क्योंकि हम इसे धूप में पकाएंगे, धूप में ही अच्छे से पक जाएगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करके चलिए अब इसको हम धूप में रख देते हैं 1 दिन के। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मसाला कोटिंग देख के ही मुँह में पानी आ जाता है ना। और इस तरह से धूप में इसे रख दीजिए अच्छे से। ये देखिए धूप लगने के बाद सारे मसाले धीरे धीरे इसमें अब्सॉर्ब होंगे। ये हमने कुछ पचफोरन लिया था 1 टेबल स्पून के करीब और इसे भूनकर पीस लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 दिन धूप में रखने के बाद इसमें मिलाएंगे हम ये सरसों, पीली सरसों हमने बिना भुने ही कूट कर डाला है। इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है और एकदम ट्रेडिशनल गांव वाला अचार, दादी नानी के हाथों वाला अचार का स्वाद आएगा। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे 3 दिन तक हम धूप में इसी तरह चला कर रखेंगे। 3 से 4 दिन धूप लगने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई भी कांच की बॉटल ले लीजिए, सूखी रहे। और इसमें अच्छे से सारे मसाले डाल देंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, जब अचार कोई भी लें तो पानी टच ना करें उससे, तो पानी अगर चम्मच में रगा रह जाएगा, टच होगा तो जल्दी अचार ख़राब हो जाता है, वरना ये सालों साल तक इसी तरह रहता है। चलिए अचार सारे हमने इसमें डाल दिए हैं और इसे आप साल भर तक आराम से खा सकते हैं। और इस तरह से आप बनाइए अचार, आपको बहुत ही टेस्ट स्वादिष्ट याद आ जाएगी अपनी नानी दादी के हाथ के अचार। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर।